और इसी बीच एक बड़ी खबर हरियाणा से, सीएम मनोहर लाल खट्टर का इस्तीफा, राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया है हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता दें, लगातार की सरकार गिरने को लेकर यहां पर बातें चल रही थी, जेजेपी के साथ जो गठबंधन में है हरियाणा में मनोहर सरकार, उसी को लेकर लगातार यहां पर विवाद देखने को मिल रहा था। और हरियाणा की सियासत से जुड़ी इस वक्त एक बड़ी खबर, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस्तीफा सौंप दिया है, ये बड़ी जानकारी इस वक्त न्यूज 18 आपको दे रहा है। लगातार इसे लेकर चर्चाएं चल रही थी, जेजेपी के साथ जो गठबंधन है उसे लेकर कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था, काफी दिनों से लगातार ये खबरें आ रही थी। और इसके साथ ही दुष्यंत गौतम की तरफ से सरकारी गाड़ियां भी वापस लौटा दी गई थी, अभी हाल ही में ये खबर आई थी। और उसके बाद लगातार ये माना जा रहा था कि कोई ना कोई फेरबदल जरूर देखने को मिल सकता है। जेपी नड्डा से भी दुष्यंत गौतम ने मुलाकात की थी, लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर, राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने। और राज्यपाल को इस्तीफा सौंपने के बाद अब हरियाणा की राजनीति गर्मा गई है। हरियाणा की सियासत से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस्तीफा सौंप दिया है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको बता रहे हैं, हरियाणा की सियासत से जुड़ी हुई। गृहमंत्री अनिल विज भी साथ में पहुंचे हैं राजभवन। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस्तीफा सौंपा है और माना जा रहा है कि सीएम चेहरा भी यहां पर बदला जा सकता है, क्योंकि लगातार इस तरह की खबरें आ रही थी कि वहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को लेकर जो विवाद हो रहे थे। और अभी हरियाणा की सियासत से बड़ी खबर यह है कि अब यहां पर सीएम चेहरा बदला जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी का जो जेजेपी के साथ गठबंधन था वो फिलहाल टूट गया है, ऐलान ही अभी तक बाकी है। लेकिन अब माना जा रहा है कि कई ऐसी बातें थी जिसे लेकर दोनों पार्टियों के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था। तो संजय भाटिया और नायब सैनी का नाम अब सीएम की रेस में आगे के, जल्द ही नए सीएम का ऐलान किया जाएगा। और लोकसभा चुनाव से पहले ये बड़ा फेरबदल हरियाणा में देखने को मिल रहा है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस्तीफा दे दिया है।